माननीय विधायक महोदय के द्वारा और एलिवेटेड रोड के जो बनाने वाले फार्म्स हैं उसके अधिकारियों के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया है। तो निश्चित रूप से कुछ नगर निगम के उनके इश्यूज थे, जो चांद जुलाई खाने का नाला है जो कि आके कच्चे रोड के दूसरे पार्ट पर मिलता है, उनके दोनों एज पर किसी न किसी प्रकार से अब वो व्हीकल से कारण से टूटा हो या कोई हुआ, मगर वो दोनों तरफ की एज बैठी है, इसके कारण भी ट्रैफिक कुछ बाधित हो रहा है। इनके दोनों डिपार्टमेंट से बीच का था तो विषय को लाया गया, मगर नगर निगम जनहित के लिए काम करने वाली है तो किसके कारण से हुआ वो बाद का इश्यूज है, किंतु इसको ठीक जल्दी करा दिया जाएगा। कुछ एक दो इश्यूज और नगर निगम से संबंधित हैं, इन्होंने बताया और शीघ्र हल करेंगे ताकि होगा। मेरा बस व्यापारियों से इतना से निवेदन है कि थोड़ी सी परेशानी अभी ज़रूर उठाने मिल रही है, मगर आप भी अगर इसको सर्वे करेंगे तो निश्चित रूप से अगर इस रोड पर कच्चे रोड पर 100 व्यक्ति अगर ट्रैफिक को लेकर व्हीकल्स को लेकर जा रहा है तो 90 वो है जो केवल कच्चे रोड को क्रॉस करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा है, 10 व्यक्ति है कि जो यहाँ परचेजिंग के लिए रुकता है। तो निश्चित रूप से जब विकल्प होगा एलिवेटेड रोड बन जाएगा तो वो जाएगा तो नीचे भी ट्रैफिक में इनको दुकानदारों को भी आसानी रहेगी, पिलर के नीचे पार्किंग का भी अवसर मिलेगा, तो आने वाले समय में व्यापार में वृद्धि होगी। किंतु कुछ अच्छे के लिए कुछ सहन भी करना पड़ता है। मेडिसिन अगर शरीर की दवाई लेनी है तो उसको कड़वी होती है वो दवाई, किंतु वो कड़वी दवाई के बाद शरीर को भी लाभ मिलता है, तो इसी प्रकार का काम निश्चित रूप से इसको ठीक करेंगे। पिछले कुछ दिनों से व्यापारी लगातार हमसे मिल रहे थे तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो एलिवेटेड रोड बन रहा है उसके कारण से ट्रैफिक में भी दिक्कत आ रही थी, फिर दिवाली का सीज़न आ रहा है तो व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा था, और इस दौरान प्रताप मेमोरियल और अपने क्षेत्रपाल के हॉस्पिटल के बीच में एक नाला भी थोड़ा सा बैठ गया था भारी वाहन के कारण या किसी पुराने होने के कारण, उसके कारण से भी दिक्कत आ रही थी। तो जब चर्चा की तो RSRDC और स्मार्ट सिटी वाले कह रहे थे कि निगम कराएगी, निगम के अधिकारियों के दौरान था कि भाई इनके काम का तो इसलिए ये ठीक कराएं, इसलिए आज मेयर साहब के साथ या हमने उसको देखा, अधिकारियों के साथ उसका दौरा किया तो निगम ने जनहित में इसको कराने का निर्णय किया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी उससे भी राहत मिलेगी। और जहाँ तक स्मार्ट एलिवेटर रोड का मुद्दा है, इन अधिकारियों से चर्चा की है कि एक पिलर ये और बनाएंगे, उसके बाद दिवाली तक ये इस काम को विराम देंगे और तब तक भी जितना मैक्सिमम ट्रैफिक के लिए स्थान दे सकते हैं उतना देंगे, रास्ते में आए हुए रोडों को भी दूर करेंगे ताकि दोनों के अंदर सामंजस्य, हमारे एलिवेटेड रोड की स्पीड भी बनी रहे और साथ के अंदर व्यापारियों का भी दिवाली या त्यौहार के कारण व्यापार में किसी तरह से इसको दिक्कत ना आए, इसलिए आप दोनों अधिकारियों से बात किया, एट द स्पॉट हम दोनों ने निरीक्षण किया है और उचित निर्देश दिए हैं। कई पाइपलाइन भी टूट रही इनके काम से तो पाइपलाइन भी ठीक कराएंगे, ताकि मुझे लगता है कि आगामी दिनों में दिवाली का त्यौहार भी अच्छे ढंग से मनेगा, व्यापारियों को भी कम से कम उसमें कठिनाई हो और साथ में आम जन को ट्रैफिक में भी कठिनाई न हो, इसलिए इनको निर्देश दिए। मुझे लगता है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक होगा।